क्या हो रहा है सीन में, सैंडल दिखाई जा रही है इसमें जैसे कि मेरा मैंने व्रत रखा है और मुझे मैंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है सुबह से, और नील आता है मेरे सामने ही, सैंडविचेस खाता है, बड़े मज़े से खाता है, मेरे मुंह के पास लाता है, इतनी अच्छी स्मेल भी आ रही होती है मुझे, बट मैं खा नहीं सकती इसीलिए मैं इरिटेट हूँ। टशन तो है काफ़ी सारा, लेकिन इश्क भी कहीं ना कहीं। आई डोंट नो, इश्क तो इसमें फ़िलहाल तो अभी इश्क ही है। हाँ, अभी तो इसमें ये शरारत ही कर रहा है मुझे चिढ़ा के, मुझे छेड़ के, बिकॉज ये जानते हैं कि मुझे भूख लगी है और फिर भी मुझे ऑफर कर रहे हो, मैं खा नहीं सकती। नील क्या कहना चाहेंगे, मतलब अभी का संस्कार दिख रहा है, व्रत रख रही हैं घर के। नील बस यही चाहता है कि ये क्योंकि बहू अब बन चुकी है इस घर की, तो एक अच्छे तरीके से रहे, सबका मान रखे, बेबे का मान रखे। नाउ दैट बेबे ने बोला इन्हें व्रत रखने को, तो ये रख भी रही हैं व्रत, एंड विद ड्यू रेस्पेक्ट उनका उनको उनका यह व्रत तोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए मैं इनके सामने आ रहा हूँ। मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता, मैं इनके सामने सैंडविच लेके आता हूँ, बहुत ही डिलिशियस जो होता है, कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ, बट नो मैटर मैं कितना ट्राई करता हूँ इन्हें ल्योर करने की, बट ये खाती नहीं है, पीती नहीं है, बिकॉज शी रेस्पेक्ट्स बेबे अलॉट। एंड आई मीन डैड और मेरा रिलेशन भी ऐसा ही है कि डैड ने कहा है कि हम दोनों एक मिलजुल के रहें, क्योंकि अब हम मियाँ बीवी हैं। तो जी हाँ, उन्होंने ग्लास में अपनी लिपस्टिक का निशान लगा के ये बेबी को बताना चाह रहे हैं कि वो मैंने पिया है, मैंने व्रत तोड़ दिया है, उनको डिसरिस्पेक्ट किया है, जो कि मैंने नहीं किया, मैंने सच में नहीं किया, और वो मैं उनको बताना चाहूँगी। मैंने तो मॉम का यही प्लान है कि ये जाएंगी और लिपस्टिक का निशान ग्लास पे लगा देंगी, सो दैट बेबी को ये बोल सकें कि उन्होंने व्रत तोड़ दिया। यूजुअली हमने देखा है कि नील परेशानियाँ खड़ी करते हैं और बाद में सॉल्व भी हुई। ये तो एक हस्बैंड का फ़र्ज़ होता है ना कि जब जब वाइफ परेशानी में हो, हस्बैंड उसकी मदद करे। सो यस, वैसे एक जगह देख रहे हैं काफ़ी इमोशनल नज़र आ रही है अभी किसी चीज़ को लेकर, क्या? जी हाँ, मैं इमोशनल हूँ और थोड़ा बिकॉज मैं आशीष मेहता जो कि मेरे पापा हैं, उनका मैंने रूम इतने दिनों के बाद देखा है, उसके अंदर मैं गई हूँ, तो वही यादें ताज़ा हो रही है मेरे दिमाग में, गुस्सा भी आ रहा है सिया इसी। इसमें साथ दे रहे हैं अपने कहीं ना कहीं बातों को घुमा रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं इस सीन के दौरान बातों को घुमा रहा हूँ ये बोल के कि जो आशीष मेहता थे वो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, एंड बिकॉज मैं नहीं चाहता कि किस घर में किसी और को आशीष मेहता के बारे में पता लगे, बिकॉज मुझे पता है, डैड को पता है और इन्हें पता है आशीष मेहता के बारे में, मैं नहीं चाहता कि मॉम या बेबे को इन सब चीज़ों के बारे में पता लगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स थैंक्स। तो देखा है व्रत है, क्या हो रहा है सीन में, सैंडविच दिखाई जा रही है इसमें जैसे कि मेरा मैंने व्रत रखा है और मुझे मैंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है सुबह से, और नील आता है मेरे सामने ही, सैंडविचेस खाता है, बड़े मज़े से खाता है, मेरे मुंह के पास लाता है, इतनी अच्छी स्मेल भी आ रही होती है मुझे, बट मैं खा नहीं सकती इसीलिए मैं इरिटेट हूँ। टशन तो है काफ़ी सारा, लेकिन इश्क भी कहीं ना कहीं। आई डोंट नो, इश्क तो इसमें फ़िलहाल तो अभी इश्क ही है। हाँ, अभी तो इसमें ये शरारत ही कर रहा है मुझे चिढ़ा के, मुझे छेड़ के, बिकॉज ये जानते हैं कि मुझे भूख लगी है और फिर भी मुझे ऑफर कर रहे हो, मैं खा नहीं सकती। जैसे नील क्या कहना चाहेंगे, मतलब अभी का संस्कार दिख रहा है, व्रत रख रही हैं घर के। नील बस यही चाहता है कि ये क्योंकि बहू अब बन चुकी है इस घर की, तो एक अच्छे तरीके से रहे, सबका मान रखे, बेबे का मान रखे। नाउ दैट बेबे ने बोला इन्हें व्रत रखने को, तो ये रख भी रही हैं व्रत, एंड विद ड्यू रेस्पेक्ट उनका उनको उनका यह व्रत तोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए मैं इनके सामने आ रहा हूँ। मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता, मैं इनके सामने सैंडविच लेके आता हूँ, बहुत ही डिलिशियस जो होता है, कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ, बट नो मैटर मैं कितना ट्राई करता हूँ इन्हें ल्योर करने की, बट ये खाती नहीं है, पीती नहीं है, बिकॉज शी रेस्पेक्ट्स बेबे अलॉट। एंड आई मीन डैड और मेरा रिलेशन भी ऐसा ही है कि डैड ने कहा है कि हम दोनों एक मिलजुल के रहें, क्योंकि अब हम मियाँ बीवी हैं। तो एक और मुसीबत अपने लिए खड़ी होती है, जैसे कि देखा है नील की मॉम ने एक और इशू खड़ा करने की कोशिश कर दी।
जी हाँ, उन्होंने ग्लास में अपनी लिपस्टिक का निशान लगा के ये बेबी को बताना चाह रहे हैं कि वो मैंने पिया है, मैंने व्रत तोड़ दिया है, उनको डिसरिस्पेक्ट किया है, जो कि मैंने नहीं किया, मैंने सच में नहीं किया, और वो मैं उनको बताना चाहूँगी। मैंने गई या सो हाँ, तो मॉम का यही प्लान है कि ये जाएंगी और लिपस्टिक का निशान ग्लास पे लगा देंगी, सो दैट बेबी को ये बोल सकें कि इन्होंने व्रत तोड़ दिया। ट्यूशन में हमने देखा कि नील परेशानियाँ खड़ी करते हैं और बार में सॉल्व भी हुई। ये तो एक हस्बैंड का फ़र्ज़ होता है ना कि जब जब वाइफ परेशानी में हो, हस्बैंड उसकी मदद करे। जैसे एक जगह देखा है कि काफ़ी इमोशनल नज़र आ रही है अभी किसी चीज़ को लेकर, वो क्या जी हाँ, मैं इमोशनल हूँ और थोड़ा बिकॉज मैं आशीष मेहता जो कि मेरे पापा हैं, उनका मैंने रूम इतने दिनों के बाद देखा है, उसके अंदर मैं गई हूँ, तो वही यादें ताज़ा हो रही है मेरे दिमाग में, गुस्सा भी आ रहा है सिवा इसी। इसमें साथ दे रहे हैं अपने कहीं ना कहीं बातों को घुमा रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं इस सीन के दौरान बातों को घुमा रहा हूँ ये बोल के कि जो आशीष मेहता थे वो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, एंड बिकॉज मैं नहीं चाहता कि किस घर में किसी और को आशीष मेहता के बारे में पता लगे, बिकॉज मुझे पता है, डैड को पता है और इन्हें पता है आशीष मेहता के बारे में। मैं नहीं चाहता कि मॉम या बेबी को इन सब चीज़ों के बारे में पता लगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट, थैंक्स लॉट गाइस।